हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल मातेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, लास्ट के 3-4 मंथ के अंदर हम लोग ने कोई भी वीडियो अभी तक हम लोग ने देखे नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ रीजन है। लेकिन आज के दिन जो हम लोग लेकर आए हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है फिलहाल आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और वो क्या है ये देखने के बाद आप पुरानी चीजों को भूल जाएंगे, लेकिन मेरा दावा है कि ये लेक्चर अगर आप देखते हो तो आपके बोर्ड एग्जाम में 80% के ऊपर मार्क्स किस तरह से लाना है वो हम लोग गौर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि लास्ट 2 मंथ का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है। तो लास्ट 2 मंथ के सबसे बात यहाँ पे मैं एक टॉपिक लिखता हूँ यहाँ पे, लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी। ओके, अब ये है क्या लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटेजी क्या है? स्पेशली फिलहाल आज मैं मैथ्स की बात करूंगा, उसके बाद में फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, बायो का, और फिर धीरे धीरे इंग्लिश की भी बात करेंगे। तो ये लास्ट के 2 मंथ्स के अंदर मैथ्स के अंदर ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स है जो आपको अच्छे स्कोरिंग मार्क्स दिला सकते हैं कम से कम पढ़कर भी, तो वो कौन से चैप्टर्स है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हमारा मैथ्स 2 है, तो मैथ्स 2 के बारे में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को कवर करके देता है, जो कम टाइम में अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। सेम चीज़ें मैथ्स 1 से भी बताऊंगा यहाँ पे। तो मैथ्स 1 यहाँ पे 2 चैप्टर्स यहाँ पे आपका मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के बारे में लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैथ्स 1। ओके, मैथ्स 1 और यहाँ पे लिखता हूँ मैं मैथ्स 2। अब ये जैसे कि आपको पता होगा कि मैथ्स 1 में मैथ्स 2 में चैप्टर्स है कितने, लेकिन चैप्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन से चैप्टर्स कितना इजी के लेवल है और कितना डिफिकल्टी लेवल है, उसके बारे में बात करेंगे, ताकि हम 2 मंथ में ज्यादा से ज्यादा हम स्कोर मार्क्स कवर कर सके जो बोर्ड एग्जाम हम देने वाले हैं। तो मैथ्स 1 की अगर मैं बात करूँ तो पहला चैप्टर हमारा जो आता है वो आता है मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, सबसे पहला हमारा चैप्टर कौन सा आता है? मैथमेटिकल लॉजिक हो गया। सेकेंड वन इज हमारा जो आता है यहाँ पे मैट्राइसेस। मैट्राइसेस दैट इज मोर इजीएस्ट चैप्टर्स इन मैथ्स 1 एज वेल एज मैथ्स 2, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। थर्ड वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन उसके लिए जो आगे काम करने वाला है मरीन शिप के अंदर, लेकिन कैसे वो भी बताऊंगा उसका। यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो हमारा आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम मैथ्स 1 स्ट्रेट लाइन। ये सिर्फ और सिर्फ मैं 12 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ये चैप्टर नंबर 5 जो हमारा आता है वेक्टर, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम मैथ्स 1 वेक्टर्स। सिक्स वन इज लाइन एंड प्लेन एंड लास्ट वन इज फ्रॉम मैथ्स 1 सेवेंथ इज LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। That is easiest chapter and the smallest chapter from Maths 1. सबसे इजी चैप्टर भी है और स्मॉलेस्ट चैप्टर भी है। ये 7 चैप्टर है। इसके मैथ्स का हम लोग देखेंगे कि इसके मार्क्स कैलकुलेशन कैसे एग्जाम में। एक चीज याद रखिए कि आप मैथ्स 1 मैथ्स 2 मिला के 112 मार्क्स का एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब 112 मार्क्स का आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप दिमाग में रख के आपको किस तरह से क्या क्या पैटर्न तैयारी करना है ये 2 मंथ के अंदर, वो चीजें दिमाग में रखना है। मैथ्स 2 के अंदर पहला चैप्टर हमारा है डिफ्रेंशिएशन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हमारा और सबसे बड़ा और सबसे डरावना चैप्टर भी बोल सकता हूं मैं, डिफरेंशिएशन चैप्टर। सेकंड वन इज अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आप चैप्टर नंबर 1 अच्छे से पढ़ेंगे तो चैप्टर नंबर 2 भी हो जाएगा। आगे उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, थर्ड वन इज हमारा तीसरा चैप्टर जो है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फिलहाल मैथ्स 2 का, लेकिन ये कम टाइम में होता भी नहीं है, लेकिन जिसको समझ गया विद इन दी वीक 1 वीक के अंदर भी ये चैप्टर्स कवर हो जाता है। समझने के ऊपर है, पूरा चैप्टर समझने के ऊपर है। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, फोर्थ वन इज डिफिनिट इंटीग्रेशन एंड फिफ्थ वन इज सीरीज से, मेरे को तो शायद याद नहीं है, देखते हैं इसको टेक्स्ट बुक में कि सीरीज में कौन कौन से है। फोर्थ वन हमारा क्या है? डिफिनिट इंटीग्रेशन। फिफ्थ वन क्या है मेरा? अप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। फिफ्थ जो हमारे चैप्टर्स है वो क्या है? अप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। चैप्टर्स के नाम है सीरीज के हिसाब से, नाम तो मेरे को सब मालूम है लेकिन सीरीज में थोड़ा इशू है। अप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, अप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। सिक्स चैप्टर कौन सा मेरा? डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, ये कॉम्बिनेशन हमारा डिफरेंशिएशन एज वेल एज इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। सेवेंथ हमारा यहाँ पे आता है प्रोबेबिलिटी, ये आपका 10th के रिलेटेड है लेकिन 10th से थोड़ा सा एडवांस है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस।
उसके बाद हमारा लास्ट वन इज फ्रॉम मैथ्स टू एट, हमारा है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, अब एक चीज ध्यान में रखिए, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। उसमें सबसे बड़ा क्या है कि हर चैप्टर्स का मैं आपको वन शॉट लेक्चर देने वाला हूँ, 100% इस बार बोल रहा हूँ मैं, हर चैप्टर का मैं आपको वन शॉट लेक्चर दूंगा कि उस चैप्टर से रिलेटेड आपको क्या क्या करना है फिलहाल, और कितना कितना क्या क्या पढ़ना है फिलहाल। आज मैं बता दूंगा कि चैप्टर्स में आपके मार्क्स कौन कौन से कवर है और कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है जो आपके 2 मंथ के अंदर कवर हो जाएंगे। सेम मैथ्स वन के लिए भी, फिजिक्स का भी ऐसे बात करेंगे, केमिस्ट्री का भी, बायोलॉजी एज वेल एज मैथ्स की भी ऐसे बात करने वाले, ठीक है। तो मैथमेटिकल लॉजिक की सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, यहाँ पे तो मैथमेटिकल लॉजिक का जो मैथ्स का हमारा पूछे जाते हैं मैथमेटिकल लॉजिक, वो कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, वो 8 मार्क्स के पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑप्शन के साथ। ये जो मैं मार्क्स लिख रहा हूँ ये सब ऑप्शन के साथ लिख रहा हूँ। उसके बाद मैट्राइसिस की अगर बात करूँ तो ये 6 मार्क्स का पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूँ अगर ये तो 10 मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करूँ तो ये 6 मार्क्स का रहता है। उसके बाद यहाँ पे अगर वेक्टर की बात करूँ, दैट इज मोर गेनिंग चैप्टर्स एंड मोर गेनिंग मार्क्स चैप्टर्स फ्रॉम मैथ्स वन एज वेल एज मैथ्स टू, दैट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में वेक्टर, वेक्टर की बोल रहा हूँ क्योंकि वेक्टर के आगे साथ में जुड़ा हुआ लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन की बात करूँ अगर मैं तो ये चैप्टर आपको 10 मार्क्स कवर करके देता है। LPP 4 मार्क्स है, लेकिन ये 4 मार्क्स ऐसा बोल सकता हूँ मैं फ्री के मार्क्स है, कैसे आगे बात करेंगे उसके बारे में, ठीक है। अभी दूसरा मैथ्स टू के बारे में बात कर लेते हैं कि मैथ्स टू में कितने कौन कौन से चैप्टर्स कितने गए। डिफरेंशिएशन फिलहाल ये मेरे 9 मार्क्स के है, ये भी फिलहाल मेरा 9 मार्क्स का है, ठीक है। आगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन अराउंड आई थिंक कितना होगा, शायद 10 मार्क्स, ये भी आपका 10 मार्क्स। अब देखने में 10 मार्क्स लगता है लेकिन बोलते हैं सर चैप्टर्स तो बहुत बड़ा है, टेंशन मतलब चैप्टर्स बड़ा है लेकिन क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी बारे में देख लेंगे, ठीक है। डिफिनिट इंटीग्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो डिफिनिट इंटीग्रेशन मेरा कवर करता है 6 मार्क्स, और एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन की बात करूँ तो ये मेरा कवर करता है 4 मार्क्स, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज ये मेरा कवर करता है 8 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे कवर करते हैं 5 5 मार्क्स, मतलब 5 5 मार्क्स। अब इंपॉर्टेंट क्या देखो, आप जब इसको काउंट करोगे ना तो 1 1 2 112 मार्क्स ही आएंगे, मतलब ये आपका 112 जो मार्क्स है यही आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब वो पैटर्न क्या क्या रहेगा वो भी मैं एक लेक्चर में बता दूंगा कि पैटर्न क्या रहता है, कौन सा शॉर्ट कितना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग शॉर्ट कितना पूछता है, ऑप्शन कितने रहते हैं वो भी बता दूंगा एक, ठीक है। अब पहले मैथ्स वन की अगर मैं बात करूँ, ये मैथ्स वन का, तो मैथ्स वन की अगर मैं सबसे इजी चैप्टर की बात करूँ बिना पढ़े, मतलब एक दिन में अगर कवर होने वाला है तो ये 2 चैप्टर्स एक दिन में कवर होते हैं, 2 चैप्टर्स एक दिन में कवर होते हैं। उसका रीजन क्या है देखिए, मैथमेटिकल लॉजिक के अंदर कुछ 4 रूल्स है। 4 रूल्स क्या है कि भाई एंड और ये निगेशंस और ये क्या बोलते हैं इम्प्लाइज, बाय कंडीशनल, बाय कंडीशनल, इसके बारे में आप पढ़ लोगे ना 4 रूल्स, तो उसके बारे में ऑटोमेटिक आपके 8 मार्क्स में से आपके 4 मार्क्स 100% कवर हो जाते हैं। अब 4 मार्क्स में से बचा जो इस चैप्टर्स के ऊपर आते हैं लॉ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इंट्रेंस एग्जाम, जेई के लिए बात करूंगा, सीटी के लिए भी बात करूंगा, इंट्रेंस एग्जाम में इसके लॉ भी पूछते हैं। तो अगर आप ये नहीं भी करते हो तो आपके 8 में से मैं बोलूंगा कि आपके 8 में से अराउंड 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, 100% आपको मिल जाएंगे, क्योंकि करना क्या आपको 2 ही मार्क्स आपके लॉ के ऊपर जाने वाले, बाकी 6 मार्क्स आपका हो जाएगा। ईमानदारी से बात करूंगा अगर आप एक दिन में 8 घंटा पढ़ते हो तो, 8 घंटे की बात करूंगा, ये 8 घंटे में दोनों चैप्टर्स होंगे, ठीक है। अगर आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है तो बात करो, अगर न्यू पढ़ रहे हो तो कम से कम आपको 2 दिन तो लगेगा। दूसरी चीज है मैट्राइसिस की बात करूंगा, मैट्राइसिस क्या है, मैट्राइसिस दैट इज कॉल्ड, अगर सिंगुलर की बात करूं मैट्रिक्स, सेकंड वन इज अ मैट्राइसिस, 6 मार्क्स का है। अब ये मैट्राइसिस में है क्या मालूम है, पूरा टोटली इज बेस्ड ऑन दी फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड ऑफ मैथ्स। 11th स्टैंडर्ड का अगर आपने मैट्राइसिस पढ़ा होगा तो आपने 12th अच्छे से हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि 11th अगर नहीं पढ़े तो बोले क्या सर 11th नहीं पढ़ा तो 12th नहीं हो सकता क्या, ऐसा जरूरी नहीं है कि 11th आपने नहीं पढ़ा तो 12th नहीं होगा, होगा, लेकिन उसके भी कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है, मैट्राइसिस के 3 टर्मिनोलॉजी के ऊपर काम करते हैं। 3 टर्मिनोलॉजी के ऊपर कैसा काम करेगा, एक ए इनवर्स निकालने बोलता है तो ए इनवर्स को इसे 3 मेथड से बोलेगा, रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड एज वेल एज एडजॉइंट मेथड। तो ये तीनों मेथड को बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ता है, बारीकी क्या, लेकिन उसके भी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है, वो जब मैं वन शॉट दूंगा तो शॉर्ट ट्रिक भी आपको समझाऊंगा कि वो शॉर्ट ट्रिक्स आप पता कैसे लगा सकते हो कि भाई ए इनवर्स निकालना कैसे है, बहुत विद इन द सेकेंड के अंदर होता है, मतलब 1 मिनट के अंदर आप फटाफट उसको निकाल सकते हो, आपका कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिसेस की ही बात करूंगा मैं तो इसमें आपको एडजॉइंट, आपको 3 बाय 3 के मैट्रिक्स को एडजॉइंट कैसे निकालना है, क्योंकि अगर एक बार एडजॉइंट निकल गया तो इनवर्स आसानी से निकलता है। इसी के अंदर आपका इन्वर्जन मेथड आता है, रिडक्शन मेथड भी आता है, ये दोनों इट इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड अगर सीखा होगा तो वो आसानी से हो जाएगा, लेकिन
रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड फॉर मैट्राइसेस फॉर कन्विंग ऑफ 6 मार्क्स। अब ये 6 मार्क्स में से मान लेता हूं मैं कि 6 मार्क्स जो है इसमें से आपने कवर कर लिया 4 मार्क्स, एक राउंड फिगर बोलता हूं कि 4 मार्क्स आपने कवर लिया, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ मिस्टेक्स हुआ, कुछ सिली मिस्टेक आपने किया, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स यहाँ पे आपके माइनस हो गए, यहाँ पे -2 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चैप्टर थोड़ा सा पेचीदा चैप्टर जिसको मैं बोलूंगा थोड़ा डिफिकल्टी लेवल है, हाई है। उसमें रीजन क्या है, उसमें रीजन ये है कि साथ में मेरे को साइन फॉर्मूला भी पढ़ना है, साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, एज वेल एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। लेकिन इसके अंदर दो चीजें आपको पढ़ना है, 3.1 एक्सरसाइज जो हमारा है, इसके अंदर जो 3.1 एक्सरसाइज है वो दो लॉ के ऊपर काम करता है, एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक जनरल सॉल्यूशन। ये दो सॉल्यूशन आप पढ़ेंगे ना तो वहां से आपको 4 मार्क्स तो ऑटोमेटिक मिल ही जाएंगे 100%। 3.2 मत पढ़िए, लेकिन 3.2 के अंदर भी स्टार्ट के दो क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, क्या, कार्टेशियन टू पोलार, पोलार टू कार्टेशियन, ये बहुत इजी है। कार्टेशियन टू पोलार जो है और पोलार टू कार्टेशियन ये बहुत इजी है, सिर्फ थोड़ा सा आप देखेंगे कि फॉर्मूला एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा कुछ है, वाई इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, ये चीजें पढ़ेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, उतना मुश्किल है नहीं। फिलहाल मैं इजी वे का तरीका बता रहा हूँ मैथ्स का ये। उसके बाद 3.3 जो हमारा है, ये 3.3 ये सिर्फ आपको एक टेबल याद करना, डोमेन कि साइन इनवर्स का टेबल के डोमेन क्या होता है, कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होता है, उस डोमेन के पर्टिकुलर के अंदर ही आपको आंसर निकालना है। मतलब अगर आपने, चलो आपको बहुत हार्ड लग रहा है, बहुत मुश्किल लग रहा है, तो इतने में से कम आप 4 मार्क्स तो कवर कर सकते हो ना, अगर 6 मार्क्स आपका माइनस हो गया तो। लेकिन इतना होगा नहीं, इतना होगा नहीं, मैं यहाँ पे -5 मतलब आपने 50% मार्क्स आप कवर कर सकते हो ऐसा मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये शॉर्ट टाइम क्या है, अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो भाई आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है आप 100 मार्क्स पूरे ला सकते हो, और नहीं पढ़े तो आपको 20 भी नहीं मिलते, आपको पासिंग भी नहीं मिलते, ऐसा भी है सिचुएशन। लेकिन सबसे बड़ा इसको फेयर आपको दिल से निकालना है। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप पढ़ते हो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो ये आपको कवर करके देगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी कुछ पार्ट्स। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इट इज ऑल्सो कवर टू द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट्स। आप बोलेंगे सर ये मैथ्स 1 का है, ये मैथ्स 2, इसका कैसा रिलेशन है रिलेशन। फॉर्मूला आप इसके अंदर पढ़ते हो, देखो कुछ अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने क्लासेस वगैरह में, कोचिंग एकेडमी में या फिर कॉलेजेस वगैरह में पढ़ाए होंगे कि भाई जब दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप में चेंजेस आता है। चेंजेस क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल पहले लाइन का स्लोप m इज इक्वल टू a अपॉन b है, तो दूसरे लाइन के स्लोप अगर वो परपेंडिकुलर है पहले लाइन के तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का टर्म नॉमिनेटर में जाएगा, नॉमिनेटर का टर्म डिनोमिनेटर में आएगा, और प्लस है तो माइनस लग जाएगा, माइनस है तो प्लस लग जाएगा। सेम चीज है आपको इसके अंदर भी आप आता है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर। इसके अंदर आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर एक चीज और पढ़ा होगा, फॉर्मूला y - y1 = mx - x1 स्लोप पॉइंट फॉर्मूला, जहां पे m मेरा क्या शो करता है, स्लोप। इसके अंदर भी स्लोप पढ़ना है, वही फॉर्मूला, लेकिन m को रिप्लेस करके यहाँ पे आपको dy/dx शो करना है। थोड़ा ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज अगर समझ गए ना बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से आपका कवर हो सकता है, चुटकियों में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो मैथ्स के अंदर। फिर पहले तो दिल से निकालना है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है आपको, अगर कॉन्सेप्ट नहीं सीखे हो तो भी मसला नहीं है, वहां पे भी हमको कंबाइंड इक्वेशन निकालना है, सेपरेट इक्वेशन निकालना है। आपको इक्वेशन के बारे में नॉलेज होना थोड़ा जरूरी है कि भाई आपकी कौन सी इक्वेशन ओरिजिन से पास होगी, कौन सी इक्वेशन नॉन ओरिजिन से पास होगी, वो आप जनरल फॉर्मूला पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का अगर देखेंगे एक दो बार आपके नजर के सामने से गुजरेगा तो ऑटोमेटिक हो जाता है, उतना मुश्किल है नहीं। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर आप चाहते हुए भी चलो आपने स्किप कर दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप कर दिया मान लो आपका दिल नहीं करता है, लेकिन अगर ये स्किप करेंगे तो समझ जाइएगा कि ये भी स्किप हो सकता है, तो आपको एटलीस्ट कुछ तो पार्ट पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी पार्ट कंप्लीट हो सके, ठीक है। तो चलो मैं इसमें से मान लेता हूँ 2 मार्क्स आपने गेन किए, -4 आपके हुए, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। फिलहाल आपकी स्ट्रेटेजी इससे बेहतर भी हो सकती है, ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि आप ऐसा भी जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मैथ्स में मिल सकते हैं। 5th चैप्टर्स एंड 6th चैप्टर्स इट इज correlated and independent to each other, मतलब एक दूसरे के ऊपर dependent है ये, एक दूसरे के ऊपर dependent है, vector आएगा तो ही line plane आएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। अब बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, बहुत सारे आपके educators होंगे जो बताते हैं अरे कोई जरूरत नहीं है, vector नहीं आया तो भी line plane आएगा, आएगा लेकिन वो full concept से नहीं आएगा, ये मैं guarantee के साथ बोलता हूँ। बहुत सारे educators या colleges या school में ये भी सिखाए जाते हैं, school तो नहीं बोल सकता हूँ मैं क्योंकि हमारे तो ये college में बात होती है, colleges में या फिर coaching academy में ये सिखाया जाता है, अरे डिफरेंशिएशन नहीं आया तो बोले इंटीग्रेशन आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आ सकता है लेकिन वो फुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ नहीं आ सकता, क्योंकि डिफरेंशिएशन एंड इनडिफिनिट इंटीग्रेशन इट इज इंटर रिलेटेड एंड एंटी अपोजिट है, जिसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव के नाम से भी जानते हैं,
ठीक है। तो वेक्टर आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रॉम मैथ्स वन से। ये दो चैप्टर्स आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको मैं बोलूंगा इसको आपको छोड़ना ही नहीं है, इसको आपको छोड़ना ही नहीं है अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है तो, ठीक है। और हमको पूरी होप है कि हमको स्कोर ही करना मार्क्स। तो ये वेक्टर से अगर कुछ पैरामीटर्स है जो आपके थ्री डायमेंशनल, हमारा थ्री वेक्टर की बात होती है। थ्री वेक्टर कैसा हुआ कि मतलब यहाँ पे ट्रिपल प्रोडक्ट की बात होती है कि भाई तीन वेक्टर का अगर हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर रहे तो कैसा करने का है। सेम चीज है, इसी के अंदर हमारे कुछ रूल्स है कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो उनका जीरो कब होगा, डॉट प्रोडक्ट जब 90 डिग्री होगा, और इधर डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो है तो क्रॉस प्रोडक्ट में जीरो कब होगा, जब दो लाइन पैरेलल होगी तो एक दूसरे के अपोजिट है। थोड़ा ध्यान से पढ़ने का इसमें कि डॉट प्रोडक्ट में आई आई सेम सेम का वन होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में सेम सेम का वन नहीं होता है, ठीक है। सेम सेम का डायरेक्ट जीरो हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये चीज है, इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं, डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स है जो आपको वेक्टर के अंदर पढ़ना पड़ेगा। और अभी टाइम है आपके पास, 2 मंथ है अभी। अब बोलेंगे सर सिर्फ मैथ्स थोड़ी है, बाकी सब्जेक्ट है, तो आपके पास काम कुछ नहीं है। काम कुछ नहीं है बोले तो काम है, लेकिन आपको काम कुछ करते हुए भी ये सब करना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो। लाइन एंड प्लेन की अगर मैं बात करूं तो लाइन एंड प्लेन में इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैप्टर्स। पहले लाइन एंड प्लेन अलग अलग चैप्टर थे, लास्ट टाइम भी कैसा था, लाइन अलग चैप्टर्स था, प्लेन अलग चैप्टर्स था, लेकिन अभी 2 साल से आपके लाइन एंड प्लेन, जब से नया सिलेबस आया है, लाइन एंड प्लेन को मर्ज कर दिया गया है। फिर भी उसके अंदर पार्शियलिटी दिखती है। तो आपके चार एक्सरसाइज है जिसमें लाइन के दो एक्सरसाइज है, प्लेन के दो एक्सरसाइज। इट इज अ इमेजिनरी कॉन्सेप्ट। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है मतलब क्या कि लाइन के बारे में इमेजिन करना है, लाइन के बारे में तो एक बार कम इमेजिन करना है, प्लेन के बारे में आपको सबसे ज्यादा इमेजिनेशन लगता है। तो आपको ये चैप्टर्स भी अच्छे स्कोर करके दे रहे, जो आपको 10 मार्क्स विद ऑप्शन के साथ दे रहे एग्जाम में, ठीक है। चलो मान लो आपने प्लेन के कुछ पार्ट को छोड़ दिया तो प्रॉब्लम नहीं है, प्लेन के कुछ पार्ट को छोड़ दिया, आपने 10 में से, आपको बहुत डर लग रहा है, 10 में से आपने कवर किए 4 मार्क्स। कितना कवर किया आपने, 4 मार्क्स आपने यहाँ पे कवर किए। अब करना क्या है, यहाँ पे 4 मार्क्स आपने कवर किए, ये 12 में से मान लो आपने अच्छा का नहीं पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ने के बावजूद आपने कवर नहीं कर पाए, 50 मार्क्स ही कवर हो पाया, मतलब 6 मार्क्स आपको कवर हो गया। अब वेक्टर लाइन प्लेन चलो हो गया, कैसे कैसे करके एलपीपी, इट इज अ इजी एंड सिली मिस्टेक चैप्टर्स भी बोल सकता हूं मैं। इजी भी है और सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक क्या है, एक पॉइंट अगर मिसिंग हुआ आपका, कुछ एक प्रॉब्लम हुआ तो वहां पे आपके पूरे मार्क्स जाने वाले हैं, 100% बोल सकता हूँ मैं, पूरे मार्क्स जाएंगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि ग्राफ के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। एलपीपी का मतलब क्या है, यहाँ पे एलपीपी दो मेथड से सॉल्व करते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड, एक होता है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड आपको 12th में नहीं पूछे जाता है, इंजीनियरिंग में पूछे जाते हैं, आपको ग्राफिकल मेथड के ऊपर फोकस करना रहता है। उसके अंदर भी कुछ रूल्स है, स्केल होना ही चाहिए, स्केल को किस तरह से आप शो कर रहे हो, लाइन कैसा बता रहे हो आप, लाइन के पॉइंट को कैसा शो कर रहे हो, कौन से टाइप का पेंसिल यूज कर रहे हो। पहले तो आप जो नॉर्मल पेंसिल यूज करते हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, आपको क्लच पेंसिल यूज करना है। क्लच पेंसिल मतलब लीड वाली जो पेंसिल आती है ना, 0.5 0.7 mm की, वो वाली पेंसिल आपको यूज करना है फॉर दी बेटर एक्यूरेसी के लिए, क्योंकि एलपीपी मैक्सिमम एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंड है। एलपीपी में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैक्सिमाइज फाइंड आउट करो या फिर मिनिमाइज, तो वो आप एक बार देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, लेकिन उसके टेंशन मत लीजिए। ये पूरे चैप्टर्स के जितने भी है सबका मैं वन शॉट लेकर आऊंगा, किसी का थोड़ा ज्यादा होगा टाइमिंग, किसी का थोड़ा टाइमिंग कम होगा, लेकिन सबका होगा। तो इसमें मैं बोलूंगा आपको पूरे 4 मार्क्स आपको कवर करके मिलने वाले, एक भी मार्क्स का यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज मैं नहीं कर सकता हूँ, तो आपको भी नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। मैथ्स 2 की अगर मैं बात करूँ, डेट इज कॉल्ड फर्स्ट चैप्टर इज अ डिफरेंशिएशन चैप्टर। अब ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई दुश्मनों का भाई है, दुश्मनों का भाई क्या, ये चैप्टर्स बहुत तकलीफ वाला चैप्टर्स है, ऐसा बोल सकते हैं। चैप्टर्स तकलीफ कुछ नहीं है, वो हमारी सोच के ऊपर डिपेंड है, लेकिन इसके अंदर देखो डिफरेंशिएशन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, ये चैप्टर्स मालूम है रूल्स के ऊपर चलते हैं, वो रूल्स आपको कंटिन्यूअस दिमाग में रखना पड़ता है। कुछ बेसिक फॉर्मूले भी यूज होंगे, लेकिन फॉर्मूले के साथ साथ आपके कुछ रूल्स है, कॉन्सेप्ट है, वो भी दिमाग में रखना ही पड़ता है। तो डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे बहुत सारे मैथड्स है, पीएफए मैथड, जो मैं डिफरेंशिएशन का पूरा कंप्लीट मैं लेक्चर भी ले चुका हूँ, अगर आप चाहते हो कि उसको फुल आप देखो, क्योंकि डिफरेंशिएशन इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। तो डिफरेंशिएशन का मेरी पूरी वीडियो है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, आप वहां से जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर नहीं चाहते हो आप, आपके पास उतना टाइम नहीं है, इसका जब वन शॉट वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आप देख सकते हो कि भाई क्या क्या पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन के भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उस कॉन्सेप्ट पर ही चलना है आपको। सेम चीज है डिफरेंशिएशन के भी कुछ कॉन्सेप्ट पर ही चलना है। डिफरेंशिएशन आपको कितने मार्क्स देने वाला है, 9 मार्क्स। अब ये 9 मार्क्स में कुछ रूल्स है, वो रूल्स है क्या, पहले तो आपको यू इंटू वी का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि यू इंटू वी काम कैसा करता है। फिलहाल उसके जो बेसिक फॉर्मूले है वो फॉर्मूले के बारे में मालूम होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट का अगर आप डेरिवेटिव लेते हो तो कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव कैसा होगा,
कॉस एक्स का डेरिवेटिव लेते हो या कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लेते हो, मतलब इंटीग्रेशन तो चेंजेस कैसा होगा वो आपको समझना जरूरी पड़ेगा। तो हम लोग उसका जब इंटीग्रेशन हम लोग या डेरिवेटिव जब हम लोग करेंगे तो शॉर्ट में फॉर्मूले पहले मैं डायरेक्ट आपको लिख के दिखाऊंगा कि फॉर्मूला इस तरह से याद करना पड़ेगा वो, क्योंकि उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। याद करने के बाद पुटअप कैसा करना है, कैसे पता चलेगा कौन से क्वेश्चन के अंदर किस तरह का फॉर्मूला यूज करना है, वो मैं डायरेक्ट आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ऑलरेडी मेरा ये चैनल पे लेक्चर बने हुए डिफरेंशिएशन का, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, और नहीं प्रॉब्लम आपके पास इतना टाइम नहीं है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वन शॉट लेक्चर में जब बनाऊंगा तो वहां पे आप उसको भी देख सकते हो। ठीक है, अब सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अभी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो चैप्टर है इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर मैं बात करूं, इट इज टोटली डिपेंड्स ऑन द डिफरेंशिएशन, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे आपको ऑलरेडी बोला हुआ है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब जो डेरिवेटिव में यूज करें उसी को अप्लाई करना आपको सेकंड चैप्टर के मैथ्स 2 के अंदर। ठीक है, लेकिन मैंने स्टार्ट में आपको बताया था कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ फॉर्मूले जो इसके अंदर रिलेटेड है। अब एक चीज मेरे को एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, ये चीज का आपको पता है रूट 64 का कितना स्क्वायर रूट होता है, तो आप यही बताएंगे कि 8 होता है, राइट। यही चीजें मैं अगर आपसे पूछूं रूट 63 का कितना होता है स्क्वायर रूट, तो फिर यहाँ पे कुछ याद नहीं है कि सर ये कैसा सवाल है, रूट 63 का तो कुछ नहीं होता है, लेकिन रूट 63 का स्क्वायर रूट क्या होता है वो बताएगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपको इस तरह के ही क्वेश्चन है कि आपको रूट 63 का जैसा स्क्वायर कितना होता है। अभी जैसे आप फॉर एग्जांपल 4 का अगर मैं स्क्वायर बोलूं तो कितना होता है 16। आप डायरेक्टली बोलोगे सर ये कोई सवाल है क्या, बच्चों वाला सवाल है, ये तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। लेकिन यही सवाल अगर मैं बोलूं 4.02 का या फिर 4.025 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप थोड़ा सा चौक जाएंगे, थोड़ा सा रुक जाएंगे, फिर आप सॉल्व करने लगेंगे। लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका भी सॉल्यूशन है कि भाई आपको इस तरह का पॉइंट में अगर स्क्वायर है या फिर कोई ऐसा स्क्वायर रूट नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 2.2 के अंदर है जो आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। अब 2.3 के अंदर क्या है, 2.3 के अंदर दैट इज मोस्ट इजीएस्ट एक्सरसाइज, ये दो लॉ के ऊपर काम करता है, दैट इज फर्स्ट वन इज द रोल्स थ्योरम, सेकंड वन इज द एलएमवीटी थ्योरम, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, जो एक ही के ऊपर डिपेंड है। रोल्स थ्योरम समझा, एलएमवीटी समझ जाएगा, एलएमवीटी समझा, रोल्स थ्योरम समझ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, तो ज्यादा पढ़ने की जरूरत है इसमें है नहीं। अब जो मेरा थर्ड एक्सरसाइज की बात कर रहा था, अब ये फोर्थ एक्सरसाइज अगर इसमें बात करूं तो उसके अंदर दो पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, एक मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, एक मिनिमम वैल्यू। लेकिन वहां पे जाना क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक का, तो डेरिवेटिव अगर आपने किया होगा तो ये तो चैप्टर आसानी से हो सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो इस चैप्टर से अगर 9 में से चलो बहुत खौफ है आपका तो 5 तो कवर होगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 9 में से मैं बोलूंगा 6 मार्क्स आसानी से होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये चैप्टर्स में आपको मैक्सिमम आपको ऐसा लगेगा रियल लाइफ क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इसलिए बोल रहे हो चैप्टर। अब आता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की जब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो ये चैप्टर्स इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन, ये दो चैप्टर्स में अभी तक बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि यार ये इनडेफिनिट क्या है, डेफिनिट क्या है। तो सीधा सीधा मैं बोलूंगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ऐसा आपने देखा होगा सिंबल, राइट है, एक सिंबल ऐसा भी आपने देखा होगा ए से बी। अब ये दो सिंबल डिफरेंट है, ये सिंबल आपको बताता है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और ये सिंबल जो आपको बताएगा डेफिनिट इंटीग्रेशन। बोलेंगे सर कैसे, वो ऐसे क्योंकि यहां पे लिमिट नहीं है इसकी, लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं है, तो जहां पे लिमिट नहीं होता आंसर के लास्ट में क्या आता है, प्लस सी है। आपने देखा होगा कि सर आप समझ में आए प्लस सी क्या, तो प्लस सी का रूल्स भी बहुत बड़ा है, उसका भी हम लोग वन शॉट में थोड़ा बहुत उसका निचोड़ देखेंगे क्या है, क्या ये प्लस सी क्यों यूज करते। ये डेफिनेट क्या है, मतलब इसका जो आंसर आता है वो परफेक्ट आता है, एक नंबर आता है, एक पर्टिकुलर पूरा सॉल्यूशन देता है, इनकम्प्लीट आंसर नहीं रहता है, तो वो डेफिनेट बताएगा। तो इनडेफिनिट अगर आएगा तो डेफिनेट 100% आएगा, ये बता दे रहा हूं। आप बोलेंगे सर इनडेफिनिट तो आता ही नहीं, इसका मतलब क्या बोलेंगे डेफिनेट छोड़ देने का, अरे ऐसा नहीं है, इनडेफिनिट भी कुछ रूल्स के ऊपर चलता है, 4 रूल्स है सिर्फ इनडेफिनिट के, 5वां रूल्स मैं खुद की तरफ से डालता हूँ हमेशा, और वो रूल्स है क्या वो भी बताऊंगा जब लेक्चर वन शॉट लूंगा। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना भी आपका खौफ रहेगा, कितना भी डर रहेगा, तो ये चैप्टर से आप कम से कम 4 मार्क्स तो कवर कर ही सकते हो। डेफिनेट इंटीग्रेशन ये आपका अगर ये कर लिया आप, 6 में से आपका 3 तो होना चाहिए भाई, 3 तो बिना कोई शक शुबा के, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन ये आपके कुछ लॉ के ऊपर भी है, कुछ प्रॉपर्टीज के ऊपर है कि भाई ये प्रॉपर्टी मतलब अगर ऊपर ऐसा रहा नीचे ऐसा रहा सेम, तो कुछ हम लोग उसके प्रॉपर्टी में यूज करते बताऊंगा, वो ऐसा लिमिट ऑफ सम बोल के है उसका, कि मतलब डायरेक्टली आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर मिलता है, लेकिन इसके अंदर पहला एक्सरसाइज जो है आपको फॉर्मूला यूज नहीं करना, लिमिट यूज करके आंसर लाना है, घूम फिर के वही लाना है, लेकिन क्वेश्चन में अगर कंडीशन डाल दे तो आपको उस तरीके से करना पड़ता है, और ईजी है एक फॉर्मूले के बेस पे। उसके बाद करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ
इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, डिफिनिट इंटीग्रेशन एज वेल एज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एज वेल एज डिफरेंशियल डिफरेंशिएशन, मतलब ये किसका कॉम्बिनेशन है, एक दो तीन चार, अच्छा एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन रह गया है। ठीक है, पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में देखते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक दो तीन चार, ये चार चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। आप बोलेंगे सर ये तो आ ही नहीं रहा है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे आएगा? आएगा भाई आएगा, कुछ उसमें भी है कॉन्सेप्ट, कुछ इसके अंदर भी रूल्स है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर सबसे मजे की बात क्या मालूम है, दो एक्सरसाइज ऐसे है उसमें से जो आपको एकदम इजी तरीके से देने वाले आंसर, बहुत इजी से। एक एक्सरसाइज इट इज डिपेंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। अभी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कॉम्बिनेशन बताया मैं, मतलब उसके अंदर आपको डिफरेंशिएशन भी यूज करना है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन भी यूज करना है, और आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी यूज करना है, सब यूज करना है एक एक करके। लेकिन है इजी चैप्टर भाई वो भी, ये बोलूंगा मैं, क्योंकि उसके अंदर आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में पढ़ना है, ऐसा पढ़ना रहेगा कि भाई एक एरिया का या फिर एक सिटी का पॉपुलेशन फिलहाल इतना है और स्टार्ट में इसका पॉपुलेशन इतना था, तो बताओ चार साल बाद इसका पॉपुलेशन कितना होगा, ये कोई सवाल है? लेकिन सवाल है और इसके मार्क्स तीन तीन मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बताऊंगा उसको करना कैसे। ठीक है, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले जो हमारा पांचवा छूट गया है, अगर ये आठ में से मैं चार भी कवर कर लेता हूँ इनफ है, देखो आठ नहीं चाहिए भाई, पूरा चार भी है तो इनफ है मेरा। ठीक है, अभी एप्लीकेशन ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज है भाई, सिर्फ एक एक्सरसाइज, और डिफिनिट इंटीग्रेशन जो यहाँ पे दिया हुआ है, डिफिनिट इंटीग्रेशन का कॉम्बिनेशन अगर आप पढ़े होंगे, कॉम्बिनेशन मतलब डेफिनेट और अनडिफिनिट का अगर चीजें दो चीजें आप पढ़े होंगे, तो ये एप्लीकेशन बहुत इजी तरीके से सॉल्व होता है। एक एक्सरसाइज में आपको कुछ पैराबोला का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ता है, इसके अंदर पैराबोला, इलिप्स, सर्कल, मतलब ओरिजिन से अगर सर्कल पास हो रहा है, सर्कल अगर शिफ्ट हो रहा है तो उसका इक्वेशन कैसा बनेगा, वो इक्वेशन आपको मालूम होना जरूरी है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं इस चैनल पे आपको वो भी करा के देने वाला हूँ। ठीक है, अब यहां से एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन चार में से, मान लेते हो भाई चार में से मैं कुछ भी नहीं कवर किया, जीरो हो गया, हो सकता है ना भाई एक आध चैप्टर ऐसा, सब चैप्टर पढ़ लेंगे तो फिर हम तो जीनियस हो जाएंगे, ये चैप्टर मान लो मैंने स्किप कर दिया, कोई काम का नहीं है मेरे हिसाब से, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो बोलेंगे नहीं सर ये तो एक ही एक्सरसाइज है, अच्छे चार मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन हो सकते हैं भाई, लेकिन इतने सारे पढ़ेंगे तो फिर वो भूल भी सकते हैं, चलेगा? अगर आपको बोलते चार तो चलो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से दो लेता हूँ, दो लेता हूँ कि आपने दो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। अब आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बायनोमियल, अरे भाई ये दो चैप्टर्स है ना आधे दिन का है, कैसा ये चैप्टर्स के अंदर इसके फॉर्मूले यूज होते हैं, और इसके अंदर सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो भी कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, अगर उसका फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा होगा, फैक्टोरियल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इस चैप्टर्स आसानी से होगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, एक फॉर्मूले के ऊपर चलेगा और वो बताएगा कि भाई कितना क्या करना है आपको। सेम चीज है प्रोबेबिलिटी में, जो आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ा है टेंथ के अंदर उसी का थोड़ा सा एडवांस लेवल है। फॉर एग्जाम्पल एक आपने कॉइन को टॉस किया, एक कॉइन में क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट? अब नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितना है, टू। अब मेरे को सिर्फ हेड से लेना देना है, किससे, रैंडम, मेरा जो रैंडम वेरिएबल है सिर्फ हेड से लेना देना है, तो वन अपॉइंट टू मतलब 50-50% के पॉसिबिलिटीज हुई, तो वो पॉसिबिलिटीज आप वहां पे लिखते थे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस टोटल इज टू, और जो नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल इज वन, यहाँ पे लिखना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट टेबल के ऊपर काम करना है, मतलब काम वही करना है लेकिन इतना काम जारी नहीं करना है, एकदम सीधे सीधे लैंग्वेज में करना है, एकदम सिंपल एक टेबल बनाना वहां से। प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर दो एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज आपका नॉर्मल कंटिन्यूअस पे चलता है, मतलब पीडीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं प्रायोरिटी डेंसिटी फंक्शन, जो इनफाइनाइट होता है, वो फंक्शन भी बताऊंगा मैं, ठीक है, कि वो फंक्शन को काम कैसा करना है। ठीक है, कोशिश करूंगा कि हर चैप्टर्स के अंदर पूरा पूरा निचोड़ दे दूं हर चैप्टर का आपको, लेकिन फिर भी कुछ रहेगा तो कमेंट्स में आप लोगों को बताना वो टाइम पे वन शॉट के लेक्चर के बाद, कि जो रहेगा उसका भी मैं कोशिश करूंगा कि वो भी आपको पूरा कंप्लीट करके दे सकूं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये दो चैप्टर्स आपके 10 मार्क्स देते हैं, 10 मार्क्स में से मैं तो बोलूंगा आपको कम से कम 8 मार्क्स तो कवर होना चाहिए, क्योंकि भाई फॉर्मूला एक है। अब बोलेंगे सर क्वेश्चन समझता नहीं है, फॉर्मूला तो एक, लेकिन क्वेश्चन समझता नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ने में ज्यादा टाइम देना है आपको एग्जाम में, उसका भी एग्जाम की स्ट्रेटेजी बताऊंगा भाई, कि एग्जाम को पेपर पैटर्न को कैसा पढ़ना है, लिखना कैसा है, क्योंकि मैथ्स के पूरे रूल्स अलग है भाई लिखने का, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायो, लेकिन इसके रूल्स अलग चलते हैं, कहाँ कहाँ मार्क्स कितने कट होते हैं, कहाँ कहाँ कितने मार्क्स गेन होते हैं, उसके भी रूल्स बताऊंगा। तो अगर इसकी मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितना हमारा समझ लो चार, ये कितना हो गया फोर, और यहाँ पे कितना हो गया फोर फोर एट, एट और सिक्स फोर्टीन, फोर्टीन और टू कितना हो गया समझ लो यहाँ पे फोर्टीन और टू सिक्सटीन, 16 और कितना हो गया ये 5, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 और 4 कितना हो गया 25, 25 और 6 कितना हो गया 31, मतलब आपने 31 मार्क्स मैथ्स 1 से आपने कवर कर लिया बिना कोई तकलीफ के। आप बोलेंगे सर इतना सारा तो बता दे तकलीफ है, अरे भाई थोड़ा तो तकलीफ उठाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी है कोई चीज़, मैथ्स है भाई, वो भी 12 का मैथ्स, क्योंकि 12 का मैथ्स एज पर माई एक्सपीरियंस
ट्वेल्थ का मैथ्स अगर आप पढ़ते हो तो इंजीनियरिंग के पूरे मैथ्स क्लियर होते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, क्योंकि मैं भी ऑलरेडी एक इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग किया हुआ है और आज भी मैं इंजीनियरिंग के बेस पे, ट्वेल्थ के बेस पे मैं अच्छे अच्छे लोगों को पढ़ाता हूँ, डिग्री वालों को भी पढ़ाता हूँ, डिप्लोमा वालों को भी पढ़ाता हूँ और मैथ्स पढ़ाता हूँ। उसका रीजन है कि भाई ये सब चीज़ें आपके चैप्टर्स आपके डिप्लोमा एज वेल एज डिग्री में भी है। डिप्लोमा में तो समझ लो पूरा ट्वेल्थ ही भरा हुआ है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, डिग्री में थोड़ा एडवांस लेवल है लेकिन ट्वेल्थ का बेस ही चलता है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ से अगर बात करो कितना मार्क्स कवर हो सकते हैं यहाँ पे, 5 और 5 6 11, 11 और 4 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 और 2 कितना हो गया 20, 20 और 4 कितना हो गया 24 और 8 कितना हो गया 24 और 8 हो गया 32। अरे बाबा रे, 32 मार्क्स यहाँ से मिल गया आपको माइनस 2 से, तो 32 और 31 प्लस कितना हो गया 32 32 कितना था 64, मतलब आपने 63 मार्क्स कवर कर लिया आउट ऑफ 80 मार्क्स, आउट ऑफ 80 में से 63। अरे बाबा इतना मार्क्स, और जो आपको 20 में से मिल जाएंगे 16 14 15 जो भी अराउंड, अगर मान लेते हो 16 मिलता है या 17 मिलता है तो आपको कितना मिल गया बाबा 80 मिल गया, 80 मार्क्स आउट ऑफ 100। इतने मार्क्स में तो पूछो मत, चारों तरफ लड्डू बटेंगे, चारों तरफ मिठाइयाँ बटने वाली है। तो ये स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। तो वन शॉर्ट लेक्चर में मैं आपको ईच चैप्टर के बारे में बताऊंगा कि क्या कैसा करना है, कौन से चैप्टर्स को कितना कैसा पढ़ना है, फिलहाल टाइमिंग कैसा देना है, वो चैप्टर्स के अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ आज का हमारा लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ में आपकी यही स्ट्रेटेजी रहने वाली है कि आपको किस तरह से क्या क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर, अब यहाँ से आप सोच लो कि आपके लिए कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंस है, कौन चीज़ को आप स्किप कर सकते हो, कौन सी चीज़ों को नहीं कर सकते। ये हमारा यहाँ पे आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जो हमारा 2 मंथ का स्ट्रेटेजी है इस तरह से आपको फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ी देर में एक कम्युनिटी पोस्ट डालने वाला हूँ, जहाँ पे मैं आपसे चाहिए कि आपको कौन सा लेक्चर सबसे पहले वन शॉट में चाहिए। इससे क्या होगा कि आपको भी बेनिफिट मिलेगा, मुझे भी बेनिफिट, ताकि आपका सपोर्ट मेरी तरफ भी रहे और मेरा भी सपोर्ट आपकी तरफ रहे, ताकि आपको रिक्वायरमेंट को उस चीज़ के कंटेंट को सबसे पहले ज़रूरत है वो मैं देखना चाहूँगा। लेकिन हो सकता है कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में जाकर भी आप देख सकते हो, मैं एक एक चैप्टर्स का पूरा लिंक दे दूंगा, उस लिंक के ऊपर भी आप जा सकते हो। ठीक है, और वन शॉट तो मैं बनाने ही वाला हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज से हमारा नया जो शुरुआत है, इस नए एकेडमिक का 2024 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए जो शुरुआत कर रहे हैं वो हम कंप्लीट करके ही रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।